प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण होना है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर देव दीपावली की तर्ज पर गंगा किनारे लगभग 5 लाख दीपक जलेंगे। लेजर शो, आतिशबाजी के साथ रोशनी से समस्त मंदिर, शहर की गलियां, सड़कें व अन्य सार्वजनिक स्थान जगमग होंगे। दोस्तों, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के दिन सभी नाव व बजड़ों को फूल माला व लाइटों से भी सजाया जाएगा, जिसमें गंगा घाट और भी खूबसूरत दिखेगा। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का काम लगभग 90% तक पूरा हो गया है। इसमें 24 भवन बनाए गए हैं, जिसमें यात्री सुविधा केंद्र, मुमुच्छू भवन, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, वाराणसी गैलरी आदि भवने शामिल है। वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी अपील है, अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो तुरंत लाइक कर लें। दोस्तों, 13 दिसंबर को होने वाले विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर शहरों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, कामों को काफ़ी तेज गति से कराया जा रहा है। मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार फिर कल यानी 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस आने वाले हैं और कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर रात में रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाएगा। 13 दिसंबर को देशवासियों को यह विश्वनाथ धाम कॉरिडोर समर्पित हो जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका कार्य अब अंतिम चरण में है। कॉरिडोर अब लाइटों से चमचमाने भी लगा है। काशी विश्वनाथ धाम 54,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। कॉरिडोर धाम में बनाए गए 3 प्रवेश द्वार पर यात्री सुविधा केंद्र तैयार किया गया है। अपने सामानों सहित भक्त विश्वनाथ धाम में प्रवेश करेंगे और यहां यात्री सुविधा केंद्र में प्रसादन के साथ ही मोबाइल बैग सहित अन्य सामान रखे जा सकेंगे और यहीं से ही भक्त गंगा घाट और विश्वनाथ मंदिर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। गंगा घाट के किनारे से बाबा का दर्शन भी करना आसान हो जाएगा। सीढ़ियों का काम काफ़ी तेजी से गंगा घाट के किनारे से कराया जा रहा है। सामने देख सकते थे, हमारे वीडियो के माध्यम से आपको गदौलिया गेट भी दिख रहा होगा। दोस्तों, अभी हम चौक साइड में हैं। देख सकते हैं सामने, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीढ़ियों का निर्माण कार्य काफ़ी तेजी से गंगा घाट के किनारे कराया जा रहा है। दोस्तों, इसी के बगल में मणिकर्णिका घाट है, जहां पर दाह संस्कार रात दिन किए जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।